हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास, इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो लेसन नंबर 9 था अफेयर एक्सचेंज वो कंप्लीट किए थे ना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर वेरी शॉर्ट पोयम। हमारी पोयम है जिसका नाम क्या है, द अम्ब्रेला। ये जो एक पोयम है ये किसके बारे में है, अम्ब्रेला के बारे में। तो देखते हैं लेट्स बिगिन में क्या दिया है। अ शेप पोयम अरेंज वर्ड इन अ पिक्चर दैट टेल यू व्हाट द पोयम इज अबाउट। शेप पोयम क्या होती है, ये एक ऐसी पोयम होती है जो कि पिक्चर में वर्ड्स को अरेंज करती है और बताती है कि वो पोयम किस बारे में है। द फर्स्ट शेप पोयम वॉज रिटन ओवर 2000 ईयर्स अगो। पहली जो शेप पोयम लिखी गई थी ना, किसी शेप में जो पोयम लिखी गई थी वो 2000 ईयर्स पहले लिखी गई थी, है ना। हियर इज वन शेप्ड लाइक एन अम्ब्रेला फॉर यू टू इंजॉय। और यहाँ पर आपके लिए एक अम्ब्रेला के शेप की पोयम है। रीड ऑन टू डिस्कवर हाउ द पोयम हाउ द पोएट मेक्स द अम्ब्रेला थिंक एंड फील जस्ट लाइक अस। इसमें देखते हैं कि पोएट ने कैसे हमारे लिए क्या किए हैं, अम्ब्रेला को, यानी इमेजिन करें कि अगर अम्ब्रेला सोचता फील करता बिल्कुल हमारे जैसा तो वो कैसे करता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई रिमेंड फोल्डेड इन एन ओल्ड कबर्ड डस्टी एंड फॉरगॉटन। अम्ब्रेला है जो क्या कह रहा है कि बहुत समय से मैं फोल्ड करे हुए एक अलमारी में रखा हुआ हूँ, एकदम गंदा, और लोग मुझे भूल चुके हैं। देन वन डे द डार्क क्लाउड स्टार्टेड टूगेदर। और फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ, काले जो बादल हैं वो आ गए। ठीक है, आई हर्ड द साउंड ऑफ द थंडर एंड द लाइटनिंग। और मैंने आवाज सुनी किसकी, बादल गरजने की और बिजली कड़कने की। माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग इन एक्साइटमेंट। और मेरा जो दिल है वो एक्साइटमेंट में, खुशी में एकदम जोर जोर से बीट करने लगा, माने धड़कने लगा। आई हर्ड द लिटिल फुट स्टेप्स कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। और फिर मैंने सुना कि कोई मेरे पास में आ रहा है ना। आफ्टर मंथ्स आई सॉ द लाइट ऑफ द डे। और कई महीनों बाद मैंने फाइनली उजाला देखा। आई हर्ड द पिटर पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द विंडो पैन। और मैंने सुना किसकी आवाज, रेन ड्रॉप्स की जो कि विंडो के कांच पे गिर रही हैं, है ना। आई क्लैप्ड एंड शाउटेड। और मैंने ताली बजाई और मैंने चिल्लाया, हुर्रे द मानसून आर हियर, कि बारिश का जो मौसम है वो आ गया है। आई वॉज थ्रिल्ड एज आई फेल्ट माई सेल्फ बींग अनफोल्डेड। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, थ्रिल्ड मतलब खुश होना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अब मुझे ओपन किया जाएगा, है ना, अनफोल्ड किया जाएगा। आई थॉट वाओ व्हाट फन, इट्स टाइम टू गो आउट एंड गेट सोक्ड इन द रेन। और मैंने सोचा वाह अब कितना मजा आएगा कि मैं वापस से बारिश में बाहर आऊंगा और मुझ पर पानी की बूंदें गिरेंगी। ठीक है, तो ये जो है एक पोयम थी, काफी शॉर्ट पोयम, जो एक अम्ब्रेला के बारे में थी कि कैसे वो बहुत समय से एक अलमारी में रखा हुआ था, वो वहां पर बिल्कुल खुश नहीं था, और फिर एक दिन जब बारिश आई तो फिर उसे निकाला गया और अब उसे बहुत ज्यादा खुशी है कि फाइनली अब उसे फिर से बारिश में निकलने मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ आप अपने लेट्स ट्राई वन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट्स ट्राई वन जो है वो ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अम्ब्रेला वॉज लेइंग इन एन ओल्ड कबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय से अम्ब्रेला जो है वो एक अलमारी में बंद है। ट्रू के फॉल्स, तो ट्रू, ओके आप लोग ट्रू लिखेंगे। द अम्ब्रेला हर्ड द साउंड ऑफ बर्ड सिंगिंग इन द रेन। अम्ब्रेला ने क्या सुना था, चिड़ियों की आवाज गाते हुए बारिश में, नहीं उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, उसने फुट स्टेप्स सुनी थी ना, पैरों की आहट सुनी थी, तो ये आएगा फॉल्स। द अम्ब्रेला हर्ड लिटिल फुट स्टेप्स कम क्लोजर। अम्ब्रेला को सुनाई आया कि कोई उसके पास आ रहा है, उसको फुट स्टेप्स की आवाज आई, तो यस ट्रू। द अम्ब्रेला वॉज एक्साइटेड दैट इट वॉज रेनिंग। अम्ब्रेला बहुत एक्साइटेड था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ट्रू। द अम्ब्रेला डिड नॉट वॉन्ट टू गेट वेट इन द रेन। अम्ब्रेला को भीगना नहीं था क्या बारिश में, बिल्कुल नहीं, उसे तो भीगना था, तो यह आएगा फॉल्स। द अम्ब्रेला वॉज थ्रिल्ड टू गेट सोक्ड। और अम्ब्रेला बहुत ज्यादा खुश था कि अब मुझे वापस से भीगने मिलेगा, है ना, तो यह आएगा ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लेट्स ट्राई टू। पोएट्री यूजेस वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वे वी फील। हाउ डिड द अम्ब्रेलाज फीलिंग्स चेंजेस, डिस्कस विथ योर क्लासमेट। आपको यहाँ बताना कि अम्ब्रेला कैसा फील कर रहा था, है ना। आफ्टर योर डिस्कशन लिस्ट डाउन यू थिंक द अम्ब्रेला फेल्ट व्हेन। इट रिमेन्ड इन द कबर्ड डस्टी एंड फॉरगॉटन। जब वो अलमारी में बंद था, डस्ट उस पर जमी हो गई थी, लोग उसे भूल गए थे, तब वो कैसा फील कर रहा था, सैड और लोनली, उसे अकेला फील हो रहा था और सैड फील हो रहा था। इट हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड रेन। अब जब उसे ठंड मतलब बारिश की और बादल गरजने की आवाज आई, तब उसे कैसा लग रहा था, होपफुल और हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश है और उसे फाइनली ये लगा कि हाँ अब मैं बाहर निकलूंगा।
इट हर्ड फुट स्टेप्स कमिंग क्लोजर. अच्छा, जब उसे फुटस्टेप्स की आवाज आई तब उसे कैसा फील हो रहा था? एक्साइटेड और ईगर, यानी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था बाहर जाने के लिए. इट सॉ द लाइट ऑफ द डे आफ्टर सो मैनी मंथ्स. उसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत दिनों बाद फाइनली उजाला देखने मिला था. तब वो कैसा फील कर रहा था? ग्रेटफुल और हैप्पी. इट वॉज सोक्ड इन द रेन. और वो जब बारिश में भीगा तब तो उसे बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही थी. तो यहाँ आएगा ओवरजॉय. ठीक है, अब हम देखते हैं शेप पोएम्स. शेप पोएम्स होती क्या है? चूज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व इट शेप एंड ड्रॉ एन आउटलाइन. अ फ्यू एग्जाम्पल. देखो कुछ नहीं, शेप पोएम्स आपको कैसे लिखना है वो बता रहा है कि आपको पहले एक ऑब्जेक्ट को चुनना है, उसका शेप देखना है और उसको इस तरीके से बनाना है. ठीक है, अब पेज टर्न करके देखेंगे. थिंक हाउ द ऑब्जेक्ट माइट फील. और फिर आपको सोचना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा फील करेगा, है ना. इट इज इट सैड, हैप्पी, बोर्ड और स्लीपी. वो सैड है, हैप्पी है, बोर है या फिर स्लीपी है ना. देन फीलिंग वर्ड्स हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड योर थॉट. सॉरी, हाँ, दीज फीलिंग वर्ड्स जो है, ये जो फीलिंग वर्ड्स होते हैं ये रीडर को ये समझने में आसानी करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं ना. राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ऑब्जेक्ट इन साइड द शेप यूजिंग इट्स फीलिंग वर्ड्स. और आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच के, अपनी मर्जी से किसी शेप के बारे में सोच के उसके वर्ड्स लिखना है. योर शेप पोएम इज रेडी. और आपकी शेप पोएम तैयार हो जाएगी. देखो बहुत सिंपल है. आप ऑब्जेक्ट को, आइसक्रीम का अगर आप वो बनाते हैं शेप पोएम, तो आइसक्रीम कैसा फील करती होगी, उसे कैसा लगता होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना है ना. अगर वो बोल सकती, सोच सकती, तो इस तरीके से आप किसी भी शेप के बारे में आप लिख सकते हैं. और यही होती है शेप पोएम. हियर इज एन एग्जाम्पल. लेखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. लेट सी, वी हैव रिटन अबाउट अ क्रिसमस ट्री. हमने क्रिसमस ट्री के बारे में लिखे. थिंक ऑफ ऑल दैट अ क्रिसमस ट्री माइट फील On the night before Christmas, enlist these feelings down. Happy, festive, loved, delighted, to be bringing a smile and making Christmas happy for other people. Now write about their feelings in a shape. देखो हमें Christmas tree के बारे में लिखा है यहाँ पे, कि Christmas tree के बारे में ऐसा लिखा है कि Christmas tree Christmas के एक दिन पहले क्या सोचता होगा. Of course वो बहुत खुश होता होगा, happy होता होगा, और उसको बहुत अच्छा लगता होगा कि फाइनली उसे देखकर किसी के फेस पे स्माइल आएगी. और फिर यहाँ पर लिखा है, देखो क्या, आई एम हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ. ड्रेस्ड इन ब्राइट लाइट्स विथ स्टार्स ऑल ओवर मी. मैं एकदम बहुत अच्छे से तैयार हूँ, मेरे चारों तरफ स्टार्स लगे हैं और लाइट्स. आई फील एज फेस्टिव एज कैन बी. मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जितना कि त्योहार में लगता है. विथ Presents heaped at the base of my trunk, I bring a smile to all who see me. वो क्या बोल रहा है कि मेरे ट्रंक पे बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और इसके साथ साथ जो मुझे देखता है मैं उसके फेस पे स्माइल ला देता हूँ. Children run towards me with glee. और बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा खुशी से, एक्साइटमेंट से मेरे तरफ भागते हैं. They love me, I am their Christmas tree. और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनका क्रिसमस ट्री हूँ. इस तरीके से एक शेप पोएम लिखी जाती है ना. आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं. अब आपको अपनी खुद की शेप पोएम लिखना है, जो आपका होमवर्क है. आपको एक ऑब्जेक्ट चूज करना है, उसका शेप और आउटलाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, जो यहाँ स्पेस प्रोवाइडेड है. यहाँ एग्जांपल्स दिए, आप चूज कर सकते हैं. आप ट्री का ले सकते हैं, स्टार का ले सकते हैं, बॉल है, बलून है, और इसके अलावा जो भी आप शेप चाहें वो ले सकते हैं. फिर थिंक ऑफ हाउ योर ऑब्जेक्ट माइट फील, लिस्ट द फीलिंग वर्ड्स. और सबसे पहले आप क्या करें कि सोचे कि वो ऑब्जेक्ट क्या सोच सकता, अगर वो मतलब सोच सकता होता तो वो क्या सोचता. और फिर वो फीलिंग वर्ड्स आपको लिखना है, जैसे हैप्पी, सैड, स्लीपी, बोर्ड, एक्साइटेड, ये सब. ठीक है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ऑब्जेक्ट यूजिंग दीज फीलिंग वर्ड्स इनसाइड द शेप. और फिर आपको वो फीलिंग वर्ड्स का यूज करके ऑब्जेक्ट के शेप के अंदर आपको कुछ लाइन्स लिखना है और आपकी शेप पोएम जो है वो तैयार हो जाएगी. तो ये आपका होमवर्क है जो आप लोग करेंगे. एंड ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होमवर्क है, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेंगे. ठीक है, एंड आई होप आपको आपकी ये पोएम पसंद आई हो. इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से. ओके, टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.